नमस्कार एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 12 पीपल वो हेल्प अस. सी इन प्रीवियस वीडियो वी टॉट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. होप यू लर्नड एट होम एंड बी सेफ. ओके, नाउ सी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट वन इज नेम एनी थ्री हेल्पर्स दैट यू हैव सीन अराउंड योर हाउस. सी व्हाट यू हैव टू डू इज आपको आपके घर के आजू बाजू जितने हेल्पर्स दिख रहे हैं उनके नाम लिखने हैं. और यहाँ पे क्या लिखना है, किन्हीं तीन हेल्पर्स के नाम लिखने हैं. सो आंसर इज आई हैव सी डॉक्टर टीचर एंड ड्राइवर अराउंड माय हाउस. सी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डॉक्टर टीचर एंड ड्राइवर. आपको आपके हाउस के आजू बाजू जो भी हेल्पर्स दिखते हैं यू कैन राइट डाउन देयर नेम्स. ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2. राइट इन 3 पॉइंट्स हाउ वी शुड बिहेव विथ आवर हेल्पर्स. सी हम हमारे हेल्पर्स के साथ कैसा बिहेवियर रखते हैं उसके लिए हमने क्या लिखना है, 3 पॉइंट्स में लिखना है कि हम कैसा बिहेव रखते हैं, कैसा बिहेवियर होना चाहिए हमारा. तो आंसर इज फर्स्ट वन है वी मस्ट थैंकफुल टू आवर हेल्पर्स. सेकंड वन इज वी शुड ऑलवेज बी पोलाइट. एंड थर्ड वन इज वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर हेल्पर्स. सी 3 पॉइंट्स में हमें लिखना है कि हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए. तो फर्स्ट वन है वी मस्ट थैंकफुल, यानी हमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए जो क्योंकि वो लोग हमारी हेल्प करते हैं, है ना. नाउ सेकंड वन है वी शुड ऑलवेज बी पोलाइट, हमें उनसे प्यार से बात करनी चाहिए. थर्ड वन वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स. सी हेल्पर्स जो भी काम करते हो हमें उनकी हेल्प के लिए उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो जितना भी छोटा है या बड़ा काम करते हो, है ना. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3. व्हाई डू वी नीड पीपल टू हेल्प अस. सी क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू वी नीड पीपल टू हेल्प अस, यानी हमें लोग क्यों चाहिए हमारी हेल्प करने के लिए. तो आंसर है बिकॉज वी कैन नॉट डू ऑल द वर्क अवर सेल्फ, क्योंकि हम लोग सारा काम है वो खुद से नहीं कर सकते. नाउ सी मैं ये सारे क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आपको मेरे साथ कंटिन्यूअसली रीड करना है. ओके, सी क्वेश्चन नंबर 1. नेम एनी 3 हेल्पर्स दैट यू हैव सीन अराउंड योर हाउस. आंसर इज आई हैव सी डॉक्टर टीचर एंड ड्राइवर अराउंड माय हाउस. सेकेंड वन इज राइट इन 3 पॉइंट्स हाउ वी शुड बिहेव विथ अवर हेल्पर्स. आंसर इज फर्स्ट पॉइंट इज वी मस्ट थैंकफुल टू अवर हेल्पर्स. सेकेंड वन इज वी शुड ऑलवेज बी पोलाइट. एंड थर्ड वन इज वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर हेल्पर्स. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3. Why do we need people to help us? Answer is because we cannot do all the work ourselves. Now see, worksheet के ही question answer है जो हम revise करेंगे. First one है who looks after plants, मतलब plants की देखभाल कौन करता है. So it's very easy. Answer is gardener looks after plants. गार्डनर जो है वो हमारे प्लांट्स की देखभाल करता है ना. नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन. वो ब्रिंग्स मिल्क डेली मॉर्निंग. डेली मॉर्निंग, हर रोज मॉर्निंग में हमारे लिए मिल्क कौन लाता है. इट्स वेरी इजी. आंसर इज मिल्कमैन ब्रिंग्स मिल्क डेली मॉर्निंग. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3. वो डज अ फायर फाइटर डू, सॉरी व्हाट डज अ फायर फाइटर डू, फायर फाइटर क्या करता है. तो आंसर है फायर फाइटर इज अ पर्सन हुज टास्क इज टू एक्सटिंग्विश और पुट आउट फायर.
फायर फाइटर एक ऐसा पर्सन है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या करता है, जिसका काम है, उसका टास्क है लोगों को आग से बचाना और आग को बुझाना। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द 5 हेल्पर्स नेम। ये बहुत ही ईजी है, यहाँ आपको सिर्फ 5 हेल्पर्स के नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट वन मैंने लिखा है मेड सर्वेंट, सेकेंड वन वॉचमैन, थर्ड वन इज़ डॉक्टर, फोर्थ वन इज़ टीचर एंड फिफ्थ वन इज़ टेलर। सी, आपको जो भी हेल्पर्स के नाम लिखने हैं आप लिख सकते हो, है ना। नाउ मैं ये सारे रिपीट करूँगी, आपको मेरे साथ ये रिपीट करना है, ओके। तो फर्स्ट वन है वो लुक्स आफ्टर प्लांट्स, आंसर इज गार्डनर लुक्स आफ्टर प्लांट्स। सेकेंड क्वेश्चन इज वो ब्रिंग्स मिल्क डेली मॉर्निंग, आंसर इज मिल्कमैन ब्रिंग्स मिल्क डेली मॉर्निंग। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज अ फायर फाइटर डू, आंसर इज फायर फाइटर इज अ पर्सन हुज टास्क इज टू एक्सटिंग्विश और पुट आउट फायर। Now see the question number 4, write down the 5 helpers name. Answer is first one hai maid servant, second one is watchman, third one is doctor, fourth one is teacher and fifth one is tailor. Now see the exercise C, long question answer. Exercise 6, long question answer. First question hai, what is the work of sweeper? तो स्वीपर का काम क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ स्वीपर, आंसर इज अ स्वीपर क्लीन्स द रोड। स्वीपर का काम क्या है, उसका काम है रोड क्लीन करना, तो आंसर इज अ स्वीपर क्लीन्स द रोड। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्क ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर का वर्क क्या है, तो आंसर इज अ डॉक्टर ट्रीट्स सिक पीपल। डॉक्टर का काम क्या है, सिक पीपल की देखभाल करना, है ना, उनको ट्रीट करना। नाउ मैं ये रिपीट करूंगी, आपको मेरे साथ रिपीट करना है, ओके। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्क ऑफ स्वीपर, आंसर इज अ स्वीपर क्लीन्स द रोड। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द वर्क ऑफ डॉक्टर, आंसर इज अ डॉक्टर ट्रीट्स सिक पीपल। नाउ आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको एक्स्ट्रा नोटबुक में लिखने हैं और लर्न करने हैं, ओके।